हेलो नमस्कार भाई, मैं राखी। और भाई सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज शाम के टाइम घास लेने के लिए आए। ये देखो, ये मेरी ज्वार है, मतलब हरा चारा। और भाई दो तीन मैंने काट ली, देखो उसमें मेरी बुग्गी में रखी। और ये भाई मेरी पिड्डी है, देखो। और भाई एक बात कहना चाहेंगे, आप अब क्या काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही। तो भाई इसके पूरे महीने मैंने बहुत कम वीडियो बनाई, क्योंकि भाई मेरी सिस्टर आई हुई थी बच्चों को लेकर, बीच वाली, और दो तीन दिन बड़े वाली भी रह गई। अब आज ही गई मैं सुबह बड़े वाली, और कल छोटे वाली चली गई। तो भाई एक बात कहूँगे, देखो काम तो सही ज़िंदगी का, मैंने काम भी बहुत कम करा बच्चों के साथ में। भाई अपना टाइम जितना हो सके उनके साथ दिया उन्हें, और अपनी सिस्टर को भी। भाई मेरा मन नहीं लगता उनके बिना उनके साथ बिताने की कोशिश करूँ मैं, क्योंकि 5-6 महीने बाद आवा मैं। और बच्चे भी भाई अब छुट्टियों में ही मान लो आओगे। और भाई बड़ी सिस्टर भी मेरी बहुत कम आती है, 2-3 दिन के लिए आई, क्योंकि बड़ी उनकी भाई परिवार की जिम्मेदारी ऐसी हो जाए सबकी। तो भाई इस चीज़ को कहना चाहूँगी, अपना भाई परिवार के साथ में जितना भी टाइम बिता ले बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत से सोचो, जहाँ भाई हम तो बहुत दिनों बाद में बुढ़ापे में मरेंगे, ढिकड़े का होगा जब कुछ नहीं पता, 30 का 32 का 25 का कुछ नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए। और बहुत से भाई अपना परिवार को टाइम नहीं दे पाते, और फिर पछता में भाई हमने तो ये भी नहीं करा, हम ये करना चाहते अपने परिवार के साथ में अपने। तो भाई सबके दुख सुख में, और भाई अपने परिवार के साथ में पूरा टाइम दें। देखो काम तो ऐसा है, ज़िंदगी चलता रहेगा, हम चले जाएंगे जीप भी चलता रहेगा, काम तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन अपने नहीं मिलते भाई, फिर अपने भाई किसी का टाइम लग रहा, किसी का नहीं मान लग, कोई आ रहा हमारे पास में, तो भाई बहुत भाग्यवान है हम, किसी के कोई पास नहीं आता। इतना ज़माना ख़राब हो गया, मतलब ही ज़माना हो रहा बिना मतलब के। और कोई भाई दुख सुख में भी आ रहा या कोई वैसा आ रहा, तो उसका भाई मान सम्मान करें। देखो यही कहूँगी मैं तो, कि भाई अपनों को जितना भी हो सके, बहुत से काम के चक्कर में भाई, नौकरियों के चक्कर में, मैंने कहूँ भाई अपने कोशिश करें। देखो पैसा भी ज़रूरी है भाई अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, ये नहीं है कि भाई कमाना बंद कर दो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, टाइम निकालने की कोशिश करें, और भाई अपनों को टाइम दें, अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा। देखो मैं पहले भी आपको शेयर कर सकी करूँ कि भाई अपनों तो ज़रूरी कुछ नहीं है, अपने परिवार तो, अपना परिवार सुखी तो सब कुछ है। आदमी नमक की भी खेला है अपने परिवार में। और तो भाई अपने भाई जो अपना कर रहा उसका ध्यान रखें, और उसे टाइम दें, तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखें। देखो फिर बहुत से चीज़, बहुत सा पछतावा हो जा किसी चीज़ का, हम तो टाइम नहीं दे पाए, वो निकल गया भाई, वो चला गया। तो इन बातों का भाई ध्यान रखें, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें भाई, थोड़ा कम बत्ती। मैं तो खेत में भी बहुत कम जल्दी चली जाऊँ थी, वैसा मन भाई लेट तक कुछ काम नहीं करा भाई उनके साथ में ही, क्योंकि भाई मैं तो काम तो जब पूरा टाइम करना, रोड डेली का काम ही काम है भाई। ये मेरा दूसरा खेत है पिड्डी का, देख लो, यहाँ मेरे 3 खेत हैं, 2 यहाँ 1 पर है। तो भाई यही कहूँगी भाई, सब साथ जोड़ के अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को। देखो बहुत से सबकी सिस्टर आ रही थी भाई, अपने सब बैठो अपना वो करवो, इन चीज़ों के आगे पैसा कुछ नहीं होता अपनों के आगे, वो थोड़ा सा इन्हों ना करा कि भाई बचावे के चक्कर में अपनों तो मिलन भी ना जा। तो भाई बस यही है, और अब जल्दी मैं घर, टाइम लेट हो जाएगा क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, अगर ये तो आती रहेंगी क्योंकि टाइम लग जाएगा। और ठीक है भाई, बस सबसे बड़ी बात है कि अपनों को टाइम दें भाई, अपने बाण भाई हैं, अपनों के दुख सुख आप बहुत से एक दूसरे तय गुने गुने से ही रहें, लेकिन एक दूसरे के मन में बहुत प्यार रह, कह नहीं सकते
बता नहीं सकते, तो भाई उस चीज को शेयर करें एक दूसरे तक। बहुत जी अड़का हुआ है भाई, अपनों को साथ रह कर महसूस करो जीव अपने पांच चार बाण भाई बैठ जा और जीव सी खुशी मिले, तो भाई ये पल बहुत मुश्किल था मिला है, नसीबों वालों को मिलाएं, अपने बाण भाई जी भी इकट्ठे हो जाओ, मौके बहुत से ऐसे हो जाओ, दस दस साल पन पन साल वो मतलब सारे बाण भाई इकट्ठे भी नहीं हो पाते, तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है भाई मेरी लाइफ में। और अपने मम्मी पापा और अपना परिवार एक जगह मिलना और वो पल अपने को साथ में बिताना, तो भाई वक्त निकलना अपनों के लिए, बस यही है। कोशिश करें अपने भाई बहन है उनके पास जाने की भी टाइम निकाल के, और अपने भाई अपनों के बीच रहने की कोशिश करें, टाइम देने की कोशिश करें, काम नौकरी थोड़ा एडजस्टमेंट करें हर चीज़ में। देखो बिना एडजस्टमेंट के टाइम तो कभी भी नहीं लगने का, देखो निकालना पड़े, कोशिश करनी पड़े, तो भाई ठीक है, धन्यवाद, ठीक है जी।